हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट पोएम जिसका नाम है हम है सूरज चांद सितारे, जो थर्ड स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट की है। राइट, सो आज हम ये फर्स्ट पोएम देखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, हम है सूरज चांद सितारे। सो लेट्स सी द पोएम। सो इसमें जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है, यानी कि हम हिंदी में पोएट को क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में जो कवि है उन्होंने बच्चों के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? बच्चों के बारे में कहा गया है कि वो कुछ भेदभाव नहीं करते, हमें सभी को एक साथ रहना चाहिए। राइट, और हमें कैसे देश प्रेम जो होता है वो भी यहाँ बताया गया है। तो चलो देखते हैं। हम है सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक है जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही है विशाल पर्वत बन जाते। तो सबसे पहले हम पोयम को रीड करेंगे एंड देन हम इसका मीनिंग सीखेंगे। ओके, सो है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है भोली भाली, यहाँ न कोई भेद रंग का सबके सब हम एक रंग है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है, पृथ्वी माँ के राज दुलारे हम है सूरज चांद सितारे, एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम, एक हमारी आसमान छत एक हमारी सात पवन है, धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है, हम है एक विश्व के तारे हम है सूरज चांद सितारे, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ओके, सो इन्होंने ये पोयम लिखी है कि इन्होंने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इन्होंने ये पोयम लिखी है। सो देखो इस पोयम में क्या कहा गया है कि हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं जैसे नन्हे नन्हे रज कण, लेकिन हम नन्हे रज कण ही है विशाल पर्वत बन जाते। सो पोयम में ये जो कविता इस कवि कविता में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि हम हैं सूरज चांद सितारे, इन्होंने बच्चों के बारे में कहा है। राइट, सो जो पोएट है जो कवि है वो कह रही है कि ये जो बच्चे हैं ये सूरज चांद सितारे हैं और ये नन्हे नन्हे बालक है, यानी कि बहुत छोटे छोटे बालक हैं, और जैसे नन्हे नन्हे रजकण, रजकण यानी कि रज यानी कि मिट्टी, और मिट्टी के कण यानी कि जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसी तरीके से हम बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन हम नन्हे रजकण ही है विशाल पर्वत बन जाते। तो रजकण यानी कि छोटे छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी होती है, वो कैसे पर्वत बनती है, वो कैसे पहाड़ बनती है, जब छोटे छोटे रजकण एक के ऊपर एक सब आ जाते हैं, यानी कि उनका जब से बंस बन जाता है या फिर जो मिट्टी है वो एक साथ आ जाती है, तब कैसे पर्वत बनता है पहाड़ बनता है, उसी तरीके से ये जब बच्चे एक साथ आ जाते हैं तब उनका तब वो कैसे पर्वत जैसे हो जाते हैं। हे हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, अजीब गरीब मतलब हम ऐसे ही कह देते कि कुछ हटके है। राइट, तो जब कुछ हटके कहना होता है हम क्या कहते हैं, अजीब गरीब। तो वैसे ही कवि कह रही है कि ये जो बच्चों की दुनिया है, कवित्री कह रही है कि ये जो बच्चों की दुनिया है, हम बच्चों की जो दुनिया है वो भी कुछ हटके है, अजीब गरीब दुनिया है, और हम इस दुनिया में बहुत खुश हैं। हम सूरत मूरत मंदिर की हर सूरत है भोली भाली। तो आप मंदिर में आपने भगवान को देखा होगा। राइट, वो उनकी उनका फेस कितना क्यूट सा होता है, कितना भोला भाला होता है, उसी तरीके से हम बच्चों का भी फेस कैसा है, भोला भाला सा है, ऐसी कवित्री कह रही है। यहाँ ना कोई भेद रंग का सबके सब हम एक रंग हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे हैं जो कवित्री है वो कह रही है कि हम बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता रंग का, किसी भी चीज का, जैसे कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई काला है कोई गोरा है, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता हमारे बीच में, हम सब एक दोस्त की तरह एक मित्र की तरह रहते हैं खेलते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है, और चाहे कोई किसी भी
दिशा से आया हो, यानी कि कोई किसी भी जगह से आया हो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे लिए सब एक जैसे ही है। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। तो देखो पृथ्वी माँ, ऑफ कोर्स जब बच्चे हम किस में रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं, राइट। तो ये पृथ्वी क्या है, हमारी माँ। और जैसे माँ को अपने बेटे बहुत प्यारे होते हैं, वैसे ही पृथ्वी को भी हम बच्चे बहुत प्यारे हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हैं, बड़े हुए हम, और पृथ्वी के ही हम बच्चे, राइट। तो इसी पृथ्वी पे, इसी पृथ्वी माँ के सामने हम बड़े हुए हैं, और इनकी ही गोद में, यानी कि पृथ्वी पे ही हम बड़े हुए हैं। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सास पवन है। और इस पृथ्वी की जो आसमान, यानी कि जो स्काई है, वो ही हमारा छत है। और यहाँ जो सांस, यानी कि यहाँ जो हवा होती है, यही इससे ही हम सांस लेते हैं। यानी कि सबके लिए एक ही छत है जो आसमान है, और सबके लिए एक ही पवन जिसे हम सांस लेते हैं। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। और इसी पृथ्वी पे जो धूप चांदनी होती है, यानी कि सूरज की धूप और चांद की जो चांदनी होती है, ये कैसे स्काई पे, यानी कि आसमान में छा जाती है, वैसे ही इन बच्चों के लिए ये धूप और चांदनी जैसे स्काई पे, यानी कि जैसे आसमान में छा जाती है, वैसे ही इनके ऊपर भी, यानी कि ये भी उसी धूप और चांदनी में रहते हैं। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। और हम सब बच्चे एक ही विश्व के हैं, यानी कि एक ही पृथ्वी के हैं, एक ही आसमान के हैं, एक ही पवन के भी हैं, और हम हैं इस धरती के सूरज चांद सितारे। तो ये थी पोयम हम हैं सूरज चांद सितारे, जो बहुत अच्छी थी। इसमें सारे बच्चे के बारे में कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते, हमें भी कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम एक ही धरती के बच्चे हैं, राइट। हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे लिए आसमान भी एक है, पवन भी एक है, यानी कि हवा जिसे हम सांस लेते हैं वो भी एक है, और छत जिसमें हम रहते हैं वो भी एक है, और हम सब इसी पृथ्वी पे ही बड़े हुए हैं। सो दिस इज द पोयम हम है सूरज चांद सितारे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो पोयम है ये आपको ट्वाइस, यानी कि टू टाइम्स थ्री टाइम्स देखनी है, जब तक आप इसे समझ नहीं लेते। सो थैंक यू।